तो वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस मेंस कॉपी एनालिसिस, टॉपर्स कॉपी एनालिसिस कम कंटेंट एक्सट्रैक्शन सीरीज। ये हमारी एक सीरीज है, डेली 15-20-20 मिनट की ये छोटे लेक्चर्स होंगे, राइट। स्पेशली जैसे हमने प्रीलिम्स के लिए PYQ बेस्ड अपने, ठीक है, जो 80-85 के आसपास जो वीडियोज आई थी, सेम ये अप्रोच हम मेंस के लिए डेली यहाँ पे फॉलो करेंगे। और मेन पर्पज क्या है? नंबर 1, हमने ये देखना है कि टॉपर्स आंसर्स को लिखते हुए क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कैसे करते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक कैसे करते हैं, वो डीकंस्ट्रक्शनिस्ट एनालिसिस यहाँ से सीखना है। नंबर 2, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू हम अपने अपने सारे टॉपिक्स को यहाँ रिवाइज करने की कोशिश भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर 4 क्वेश्चन आज डिस्कस होते हैं तो 4 टॉपिक हमारे साथ में रिवाइज भी होने चाहिए। तीसरी बात कि भैया मेहनत ऑलरेडी टॉपरों ने कर रखी है इनकी, ठीक है, जो मेहनत है उसका हम कुछ लाभ उठा सकें। तो इसकी वीडियो का पूरा क्रेडिट भी आदित्य श्रीवास्तव सर को जाता है, विजन आईएएस को जाता है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, राइट। तो राइट, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस व्हाई बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन्स देन अरेबियन सी, ये पहला पार्ट है। दूसरा, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यूरिंग साउथ वेस्टर्न मॉनसून। देखो, ये पहला पार्ट तो इसका इजी है, कोई भी इसे एड्रेस कर लेगा। दूसरा पार्ट इसका ट्रिकी है, ठीक है। मुझे तो, इनफैक्ट मैं कन्फेस ये करता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है कि बे ऑफ बंगाल में साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे डिक्रीज होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ्रिक्वेंसी, बट फिर भी हमें इसका आंसर लिखना है, वो कैसे, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे सीखनी है। हो सकता है टॉपर को भी ये बात मालूम ना रही हो, लेकिन अब देखो इसकी अप्रोच हमारी क्या रहनी चाहिए। पहले इंट्रो के बाद हमने ये बताना है कि बे ऑफ बंगाल में बेसिकली पानी ज्यादा गर्म क्यों है। साइक्लोन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का पानी, नॉर्मली ये कंडीशन है इसकी। तो भैया बे ऑफ बंगाल में पानी गर्म क्यों है ये बताना है। नंबर 1, बे ऑफ बंगाल एनक्लोज रीजन है, ठीक है, आपके अरेबियन सी तो खुला है, इतना बड़ा खुला सी है, बे ऑफ बंगाल एनक्लोज रीजन है, इधर इंडिया है, इधर आपके आसियान कंट्री एटसेट्रा हो गए, समझ रहे हो, तो इसलिए ये गर्म ज्यादा होता है। हमें मालूम है लैंड मास से घिरे हुए जो सी है वो गर्म ज्यादा होते हैं। नंबर 2, भैया जो आपका पैसिफिक ओशन है यहाँ से भी इन्फ्लक्स ऑफ गर्म वाटर होता है, क्योंकि हमने हमें मालूम है कि जो आपकी ईस्टर्लीज हैं इनके इन्फ्लुएंस में आकर के जो पानी है पैसिफिक ओशन में, नॉर्मली जो ENSO है वो पानी वेस्टवर्ड फ्लो होता है, गर्म पानी, तो बहुत सारा पानी इधर बे ऑफ बंगाल में भी घुस जाता है इंडोनेशिया वगैरह से होते हुए, क्लियर। ये इसका एक दूसरा रीजन हो गया। इसकी वजह से भैया यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जहां लो प्रेशर क्रिएट होगा वहां आपका साइक्लोन बन जाएगा। एक और रीजन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, वो ये कि ये देखिए आपका अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है छोटी सी। होता क्या है गुरु, कि जो जो आपने एमोक सुना होगा, अटलांटिक मेरिडाइनल जो ये ऑसिलेशन है, ठीक है, एमोक, ये एक पोलर वाटर सर्कुलेशन का साइकिल है। एमोक में नॉर्थ से नीचे की ओर, ठीक है, अपवेलिंग के थ्रू, देखो होता क्या है, जो इक्वेटर का एरिया है यहाँ से आपके नॉर्वेजियन स्पेशली फॉर एग्जांपल जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया और ये ड्रिफ्ट वगैरह जो हो गए, ठीक है, नॉर्वेजियन करंट एटसेट्रा, ये इस तरीके का गर्म पानी आपके इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएगा, ठीक है, और फिर वहां से वो पानी अब, है ना, ये अंडर करंट के रूप में नीचे आएगा, ठीक है, और ये सदरन हेमिस्फीयर में फिर अपवेलिंग के रूप में निकलता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके बेंगुएला करंट एटसेट्रा हो गए, तो जहां पे अपवेलिंग होती है सदरन ओशन में, यहाँ अपवेलिंग के थ्रू निकलेगा, फिर भैया यहाँ से ईस्ट वार्ड ये फ्लो करता है, समझ रहे हो, ईस्ट वार्ड ये फ्लो करता है, और इवन ये पानी जो है, जो आपके पोलर वाटर है, ये ऑस्ट्रेलिया तक चला जाता है, और कुछ पानी इसमें अरेबियन सी में भी आता है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भैया अगर अगर आपका पोलर पोलर आइस अगर मेल्ट होती है तो इंडियन ओशन में भी, इंडियन ओशन में भी वाटर का लेवल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये एमोक का जो सर्कुलेशन है ये इंडियन ओशन में भी होता है। इस वजह से देखो पोलर वाटर आ रहा है, ठंडा पानी धीरे धीरे सरफेस में आ ही रहा है, और दिस इज वाई वन रीजन आई कैन फाइंड कि इस वजह से भी आपका जो है ये बे ऑफ बंगाल ज्यादा गर्म रहती है, क्लियर। तो एक पार्ट हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। दूसरा हम इसमें क्या लिखते हैं कि एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है? बेसिकली जो ये साउथ वेस्टर्न, मतलब जो रिट्रीटिंग मानसून नहीं होता है, जो अप्रोचिंग मानसून है, ठीक है, जो अप्रोचिंग मानसून है, उस टाइम पे बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कम क्यों होते हैं? मुझे इसका रीजन अभी समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में, टू बी, ठीक है, टू बी फ्रैंक एंड टू कन्फेस इट, मुझे ये बात मालूम ही नहीं है कि मानसून सीजन में
वहां पर डिक्रीज इन साइक्लोन होता है, लेकिन कुछ चीजें मैं इसमें फिर भी सोच करके लिख सकता हूँ। वो ये, नंबर वन, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून जब भी आएगी वो क्या करेगी, सन की जो हीट है, सोलर जो इंसुलेशन है, उसे रोक देगी, समझ रहे हो, उसे रोक देगी। इस वजह से हो सकता है कि आपके जो बादल तो रोकेंगी ना, बे ऑफ बंगाल पे भी बनेंगे बादल, तो इस वजह से हो सकता है कि आपका मानसून ना आए। दूसरा कि मानसून विंड जो नीचे से आएगी, वो मान लो अगर आपके बे ऑफ बंगाल में कोई डिप्रेशन फॉर्म हो भी रहा है, ठीक है, लो प्रेशर का डिप्रेशन फॉर्म हो भी रहा है, उसे वो वहां से आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगी, ऊपर की तरफ पुश कर देगी, है ना, लो प्रेशर को ऊपर की ओर पुश कर देगी, मे बी ये भी एक रीजन हो। तो मैं तो ऐसे कुछ जुगाड़ करके ये सब चीजें लिख देता। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन द पास्ट 120 इयर्स ओनली 14% ऑफ साइक्लोन्स हैव ओरिजिनेटेड इन द अरेबियन सी एंड रेस्ट इन द बे ऑफ बंगाल। 120 इयर्स ओनली, भाई पता नहीं ये डेटा कहां से इन्होंने लाया हुआ है। आप इसमें कोट कर सकते हैं आईपीसीसी सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट, हाँ सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट, अगर अगर कुछ भी ना हो, ठीक है। मुझे नहीं मालूम ये डेटा सही है या नहीं, ये मुझे वेरीफाई अभी करना है। देन रीजंस बिहाइंड मोर साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल, वही कि भैया एमरजेंट कोस्ट है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ओके, एमरजेंट कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, डायरेक्ट इंस्पेक्ट, ये मुझे समझ नहीं आया ये पॉइंट इनका। मोर सी सरफेस टेम्परेचर इन बे ऑफ बंगाल, यही उन आपसे पूछा था। मोर मॉइस्चर इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू मोर रिवर्स ड्रेनिंग, ठीक है, हाँ पानी इसमें ठीक है, डीपर वाटर इसमें ज्यादा है, लेकिन रिवर का ड्रेन ना एक्चुअल में मुझे ये लगता है कि वो साइक्लोन को वहां पे साइक्लोन के अगेंस्ट एक डेटरेंट के तौर पे आएगा। वाई? क्योंकि भैया रिवर का फ्रेश वाटर होता है और वो गर्म नहीं होता है, वो तो ठंडा करता है एक्चुअली पानी को। सो फिर भी इन्होंने लिख दिया, है ना, रिमनेंट्स फ्रॉम साउथ चाइना सी, ये उन्होंने लिख दिया कि भैया जो हमने बोला था ना कि भैया गर्म पानी जो है सरफेस वाटर, इवन आपके ठीक है जो जो पैसिफिक ओशन है वहां से भी आता है, तो ये एक कारण है। एंड लोअर वर्टिकल वन शियर, ठीक है, ये लिख दिया इन्होंने, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि भैया लोअर वर्टिकल वन शियर तो होता ही है। ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो हम मिस कर जाते हैं, जैसे मैंने ये मिस कर दिया, इंपॉर्टेंट है भैया लोअर वर्टिकल विंड शियर होना ही चाहिए साइक्लोन के लिए। अब अगर बे ऑफ बंगाल में है बन रहा है तो हो सकता है कि वहां लोअर हो, है ना, ये हमें प्रूव करने की जरूरत थोड़ी ना है, होगा ही होगा ये, क्लियर। तो ऐसी चीजें जो है ये जनरल पॉइंट्स हम मिस कर जाते हैं, टॉपर इसे लिखते हैं। ये देखो इन्होंने साथ में एक मैप भी बना दिया, जहां जहां लगे कि मैप बनाया जा सकता है बना लो, जैसा मर्जी हो। देखो अरेबियन सी साइक्लोन डिफेक्ट डिफ्लेक्ट, ठीक है, ओके, एंड बे ऑफ बंगाल साइक्लोन पाथ, ओ यस यस, ये भी इन्होंने बोला भैया जो ईस्टर्लीज की इन्फ्लुएंस में है अरेबियन सी का साइक्लोन पीछे की तरफ जाता है, बे ऑफ बंगाल की कोस्ट में इधर आता है, समझ रहे हो। सो ये भी इन्होंने साथ में, दिस हैज लेड टू मेनी साइक्लोन्स लाइक यास, है ना, अम्फान एटसेट्रा। हाउएवर अरेबियन सी सीइंग मोर साइक्लोन नाउ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वाओ, ये भी इन्होंने साथ में लिख दिया यहाँ पे हाउएवर लगा करके कि भैया ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ये बीपा जो है ना, ये पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने लिखा है लेकिन, ठीक है। देन रीजन फॉर 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 लूज साइक्लोन ड्यूरिंग, अच्छा, लेस साइक्लोन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, हाँ ये पूछा हुआ था, ये साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे क्यों, लो प्रेशर एरिया गेट्स फिल्ड ड्यू टू विंड फ्रॉम, यही हमने बात करी थी कि मानसून की जो विंड है, विंड फ्रॉम मेस्क्रीन हाई। तो ये इन्होंने इसमें देखो मानसून का लिंक इन्होंने साथ में यहाँ इस्टेब्लिश ये भी कर दिया कि मेस्क्रीन हाई, देखो मेस्क्रीन आईलैंड एक्चुअल में इधर अरेबियन सी में है, तो मेस्क्रीन हाई से पुश होगी विंड, तो है ना नॉर्मली जरूरी, इन्होंने बस लिंक एस्टेब्लिश कर दिया इसमें कि मेस्क्रीन हाई से जो है लो प्रेशर एरिया गेट्स फिल्ड ड्यू टू विंड फ्रॉम मेस्क्रीन हाई, यहां से विंड आएगी और लो प्रेशर का एरिया इससे फिल्ड हो जाएगा, राइट। एक्चुअल विंड का आना तो साइक्लोन को इनवाइट करेगा ना, विंड अगर चारों तरफ से कहीं कहीं से आ रही है तो साइक्लोन तो और इंटेंसिफाई होगा इससे, लेकिन फिर भी इन्होंने लिख दिया, एग्जामिनर को बता दिया मुझे मेस्क्रीन हाई का भी पता है। देन वर्टिकल, ये एक टेक्निक है, मैं अगेन, इट इज नॉट ए क्रिटिसिज्म, इट इज ए टेक्निक जो टॉपर फॉलो करते हैं और ये सीखने वाली बात है। देन वर्टिकल विंड शियर इनक्रीजेस, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यस, कि भैया वर्टिकल विंड शियर मतलब जितना फास्ट तरीके से, क्योंकि मानसून विंड, ठीक है, मानसून विंड खुद में ज्यादा गर्म होती है, फ्रंटल एक्टिविटी होती है,
तो क्या होता है कि मानसून ना अगर अगर कहीं पे इस तरीके से डिप्रेशन में भी टकराएगी, एक तो वो खुद ही गर्म है तो इस वजह से वो एकदम से ऊपर उठेगी, जिससे स्पायरल नहीं बन पाएगा, तो वर्टिकल विंड शियर जो है ये इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉट सो स्ट्रॉन्ग ओवर साउथ इंडिया एंड डोंट कैरी साइक्लोन, आई डोंट नो इसका क्या लिंक है। देन डिस्पेंस द डिप्रेशन ड्यू टू मेडियन जूलियन ऑसिलेशन। वाओ, ठीक है, एमजीओ का भी इन्होंने इसमें जो है एग्जाम्पल दे दिया कि नो सिंगल स्ट्रॉन्ग साइक्लोन फॉर्म्ड। तो भैया आपका जो डिप्रेशन है, जो हमने बात करी थी, मैंने तो ऐसे कहा था कि जो आपकी मॉनसून विंड है वो डिप्रेशन को कैरी फॉरवर्ड ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ ले जाएगा, ठीक है, लैंड की तरफ उस डिप्रेशन को ले जाएगा, इसीलिए मेघालय वगैरह में ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, डिप्रेशन वहां पे शिफ्ट हो जाता है, राइट। दूसरी बात, एक एक कारण इसका ये भी है जो मैं अभी सोच पा रहा हूँ, ठीक है, लॉजिकल कारण ये है कि जब मानसून आपका अराइवल होता है ना, मतलब अगस्त के आसपास, तो भैया ये वो टाइम है जब जो जो सनलाइट है, जो सनलाइट की जो इंसुलेशन है, ठीक है, अब देखो बे ऑफ बंगाल में तो ऑलरेडी बादल है, इसलिए बे ऑफ बंगाल में उतनी इंसुलेशन आ नहीं रही है, एक रीजन तो ये। दूसरा, सन की जो इंसुलेशन है, सोलर इंसुलेशन, वो नॉर्दर्न हिस्से में, स्पेशली जो त्रिपुरा वगैरह का एरिया है, जहां से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, ठीक है, वो वाला एरिया ज्यादा गर्म हो चुका होता है, समझ रहे हो। मान लो है ना, जून के एंड मंथ में, जुलाई के स्टार्टिंग में, यही तो है साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट मानसून का टाइम, ठीक है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला एरिया ज्यादा गर्म होता है, तो डिप्रेशन ऊपर ज्यादा फॉर्म होता है, लैंड तो गर्म भी जल्दी होती है, और तब तक आपका सी उतना गर्म नहीं हो रहा हो चुका है होता है कि भैया वहां पे साइक्लोन लायक जो जो लो प्रेशर है वो क्रिएट किया जा सके। तो ऊपर क्योंकि डिप्रेशन या फिर लो प्रेशर ज्यादा फॉर्म हुआ है, तो जो विंड है वो ऊपर की ओर ज्यादा जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, है ना, लो प्रेशर क्योंकि ऊपर बन रहा है, नीचे उतना नहीं बन रहा है। सिंपल बात ये आपसे पूछ रहा है कि भैया यहाँ लो प्रेशर क्यों नहीं बनता है, लो प्रेशर साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे क्यों नहीं बनता है बे ऑफ बंगाल में। सो दिस कुड बी अनदर रीजन, मैं तो ये तीन चार अपने वाले रीजन लिखता, है ना, टू बी वेरी फ्रेंक, मुझसे ये वाले रीजन मिस ही हो जाते, ये मेरे दिमाग में आते ही नहीं, ठीक, नहीं आए उस वक्त भी नहीं आए, ठीक। देन येट देयर इज अ नीड टू अडॉप्ट ड्राफ्ट, ठीक है, डेफ्ट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ साइक्लोन। भाई सीधा लिख दिया इन्होंने, है ना, अपना कॉन्क्लूजन इन्होंने वे फॉरवर्ड बेस्ड बना दिया। ये अच्छी चीजें हैं जो हमने लर्निंग लेनी है टॉपर की कॉपी से। नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन है कि डिस्पाइट बीइंग डिस्ट्रक्टिव इन नेचर वॉल्केनोज आर क्रिटिकल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। वाओ वाओ, क्वेश्चन वाल बनाने को भाई सैल्यूट, क्योंकि वॉल्केनो, ठीक है, हर कोई आदमी इसे क्रिटिसाइज करता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी है वॉल्केनो भी, डिस्पाइट बीइंग डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। देखो इसके दो सब क्वेश्चन बनते हैं, पहले आपको बताना है कि ये डिस्ट्रक्टिव कैसे है, फिर बताना है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन के लिए क्यों जरूरी है। सिंपल बात, देखो डिस्ट्रक्टिव नेचर क्या है इसका, नंबर वन भैया ये एनवायरनमेंट के लिए डिस्ट्रक्टिव है, नंबर दो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिस्ट्रक्टिव है ना, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, लाइफ के लिए डिस्ट्रक्टिव है, इकोलॉजी के लिए डिस्ट्रक्टिव है, एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया से आप ये तो आप लिख ही दोगे कि भैया इकोलॉजी का नाश हो जाता है जहां वॉल्केनो आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का नाश हो जाता है, आप इसमें हवाई आईलैंड का जो रेगुलर इरप्शन है उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल साथ में दे दो, है ना, लाइफ स्टॉक, है ना, लाइफ का लॉस हो जाता है ना, कहीं पे भी हुंगा टोंगा वॉल्केनो का, है ना, यहाँ अच्छा एग्जाम्पल वो दे दो भैया, टोंगा वोल्केनो की वजह से इवन आपके पैसिफिक ओशन में वो सुनामी वेव्स तक आ गई, समझ रहे हो। सो दीज आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, तीन चार चार कर पॉइंट ये हो गए, एक दो पॉइंट कुछ और लिख दो जो उस टाइम पे क्रिएट हो जाते हैं अभी, क्योंकि है ना इमीडिएटली सब चीजें एकदम से गैदर करना मुश्किल है। दूसरा, फिर हम क्या इसमें लिखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, नंबर वन भाई सॉइल फॉर्मेशन, है ना, एक एक डिस्ट्रक्शन इसका ये भी लिख दो, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है कार्बन का, ठीक है, इससे भी एमिशन होता है, नंबर वन सॉइल फॉर्मेशन, एग्जाम्पल क्या देना है आपने, हमारी उर्वरक, ठीक है, डेक्कन ट्रैप्स, ये इसी से बने हैं, नंबर वन। नंबर दो भैया ये इसलिए भी जरूरी है कि ये ग्लोबल कूलिंग करवाता है, मैंने बताया ना आपको प्री के टाइम पढ़े थे, सल्फर का एमिशन इससे होगा, वो जाएगा आपके स्ट्रेटोस्फियर में, और ये एक तरीके से ये सल्फर पार्टिकल ग्लोबल कूलिंग को प्रमोट करेंगे, जिनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है, सन से अगर लाइट आएगी और सल्फर पार्टिकल अगर ऊपर आपके स्ट्रेटोस्फियर में है तो इससे टकरा के वो वापस चली जाएगी और धरती ठंडी भी रहेगी, है ना, तो ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी है। नंबर तीन, इससे कार्बन का एमिशन भी होता है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलते रहना जरूरी है, समझ रहे हो। और ह्यूमन लाइफ के लिए और क्या जरूरी है, मिनरल्स एटसेट्रा, वो आपको यहीं से मिलेंगे, है ना। एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, बेसाल्टिक रॉक का, कि भैया मेटलिक मिनरल इसमें ज्यादा है, तो इकोनॉमी को रन करने के लिए जरूरी है। सो दीज आर द डायमेंशन जो मैं इसमें टच करता। देखते हैं कि वॉल्केनोज आर फॉर्म्ड ड्यू टू मैग्मा प्लूम्स, ठीक है, सिंपल सा इन्होंने इंट्रो दे दिया, दैट ट्राई टू इरप्ट थ्रू फिजर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। वाओ, ठीक है, बढ़िया है, सिंपल सा इन्होंने इंट्रो दे दिया, एंड ये इसके लिए इनको स्टार, ठीक है। मैं इसको स्किप कर जाता, मुझे मालूम ही नहीं चलता, दिमाग में नहीं आता कि ये भी हमें बनाना है, तो इसके लिए इन्हें स्टार वेंट, है ना, मैग्मा एसेंट प्लूम, सिंपल सा दे दिया, कुछ नहीं लिखा इन्होंने यहाँ, क्रेटर क्रोटर कुछ नहीं लिखा, पता है एग्जामिनर को, सब पता है, सीधा बता दिया कि वोल्केनो ये है। वोल्केनोज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, लावा किल पीपल, मोर देन 10,000 किल्ड इन विजुवियस एक्सप्लोजन। वाओ, ठीक है, विजुवियस, यस, ये मोर रेलेवेंट है, आप मुझे बताएंगे माउंट एटना, माउंट विजुवियस, ठीक है, स्ट्रोम्बोली, ये कहाँ पे है। देन जीएचजी इमिशन बताया मैंने, वो सब चीजें होती है ना। एक्सटिंक्शन सीन ड्यूरिंग केटी बाउंड्री, ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स अगो। भाई ये इसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं मालूम, ठीक है, इसका मुझे नहीं मालूम, कमेंट सेक्शन में बताइए ये क्या चीज है, ठीक है। देन फॉरेस्ट फायर्स, लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स फॉर फॉर ट्राइबल्स। वाओ, ये भी सही है, फॉरेस्ट फायर भी होती है, वेरी गुड, वेरी गुड। देन ये क्या है, ये ब्लीट वेव्स कैन इवन ट्रिगर अर्थक्वेक। हाँ, वही चीजें हमने देखा है ना, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी एटसेट्रा, ये सब चीजें आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस एटसेट्रा, इन चीजों को कवर करना ये थोड़ा, ठीक है, भूल गए, लेकिन फिर भी अच्छे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स इस वजह से अच्छे हैं क्योंकि इन्होंने कीवर्ड यहाँ पे स्टैटिक स्टेबल्स के अच्छे डाले हुए हैं। नेक्स्ट, हाउएवर साथ में डाल रहे हैं, दे आर नेसेसरी फोर्स ड्यू टू इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ। नंबर वन मिनरल्स, वही बात, आयरन ओर, कुदरे मुख, ठीक है। देन ब्लैक सॉइल, वही बात जो हमने देखा, महाराष्ट्र, कॉटन सॉइल। देन रिसोर्सेज लाइक स्टोन्स ऑफ ग्रेनाइट, वाओ, वेरी गुड, कंस्ट्रक्शन के लिए, समझ रहे हो। आप मुझे बताएंगे जो ग्रेनाइटिक रॉक है इसमें लावा कैसा होता है, एसिडिक या फिर बेसिक नेचर का। देन जियोथर्मल पावर कैपेसिटी, वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, ये तो हम भूल ही जाते हैं। इसमें आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रिसेंट एग्जाम्पल, भाई ये मैं यार मैं कंट्री का नाम दिमाग से स्किप हो रहा है, देयर इज अ कंट्री इन इन सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, ये दिमाग से स्किप हो रहा है, उसने ना बिटकॉइन को अपना ऑफिशियल करेंसी, ठीक है, ऑफिशियल करेंसी वहां पे घोषित कर दी, ठीक है, एक लीगल टेंडर, और बिटकॉइन माइनिंग के लिए उसका एक वॉल्केनो है, उसकी थर्मल एनर्जी का वो वहां पे यूज कर रहा है। मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ उसका, या किसी को पता चले तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भूल रहा हूँ अभी, दिमाग से स्किप हो रहा है नाम, बहुत मतलब ऐसी फेमस कंट्री है बहुत। देन फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइज द सॉइल, वाओ, वेरी गुड, ये चीज हम भूल ही जाते हैं। भैया वोल्केनो की जो ऐश है ना, उसे एक बहुत ही प्रीमियम ग्रेड का फर्टिलाइजर मानते हैं, लोग उठा उठा के ले जाते हैं उसे। देन ओकेजनल फॉरेस्ट फायर, ओकेजनल फॉरेस्ट फायर, क्लीन द फॉयलेज, ठीक है, ये भाई ये क्या लिंक इन्होंने डाल दिया यहाँ, भैया फॉरेस्ट फायर से आपके जो फॉलिएज है ये क्लीन हो जाती है, स्ट्रॉन्गर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो उसके लिए वॉल्केनो आना जरूरी है क्या भाई, हाथ से डाल दो, फॉरेस्ट फायर लगा लो, लेकिन फिर भी पॉइंट लिख दिया, ऐड कर दिया, 6, 4, 10, 15 पॉइंट बना दिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट ज्यादा से ज्यादा लिखो। देयर बाय द नीड हेयर टू एंश्योर दैट वी मिनिमाइज द ड्रेनेज बाय वॉल्केनोज वाया सेंडाई फ्रेमवर्क का इन्होंने भाई यहाँ एग्जाम्पल, वाओ, वंडरफुल, सेंडाई फ्रेमवर्क का इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, वाइल रीपिंग द बेनिफिट्स, ठीक है, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की इन्होंने यहाँ पे बात करी। देन नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन इज, यार लंबी भी तो हो गई है वीडियो, 20 मिनट की ऑलरेडी हो गई है, इसे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखो, यहाँ से ना हमारे कई कॉन्सेप्ट साथ में रिवाइज हुए हैं, दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन दो चीजें साथ में अच्छे से रिवाइज हुई है, तो ये प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, डेली करते रहेंगे, ठीक है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो, कमेंट सेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते रहिए, ठीक है, बताते रहिए कि क्या किस तरीके से चीजों को बेटर किया जा सकता है। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।